केन्द्र सरकार दौंती राज्य सरकार लुटुचंती कौन सी योजना केन्द्र सरकार एठी कार्यकारी हो नहीं तो आप कौन आशा करवा ओडिशा मु तो आपण मान को कहीली जे ओडिशा स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम रे चली आईसीयू रे नहीं कौन कि कौन भेंटिलेटर रे चली ओडिशा सरकार रो स्वास्थ्य सेवा ये कौन आशा करवा नवीन पट्टनायक ठू आम कि आशा करूना राज्य राज्य 5% करना कौन सी भित्तभूमि एमाने करी पारिबे नहीं। आज देखंतु ओडिशा सरकार स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा ए दीथरे संपूर्ण विफल। सभी को समझाया है कि किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास हमारे पूर्व में जो यहाँ क्षेत्र के विधायक जी रहे हैं भाई विष्णु जी, उन्होंने बेमिसाल विकास इस क्षेत्र में किया है और गंगा जमुनी तहजीब का एक बेमिसाल उन्होंने उदाहरण भी इस क्षेत्र में किया। आज ही भद्रक जिला पछरे रहिबो, भद्रक जिला को आगु नियंतु, एठो एंतिया करंतु नहीं गोटे चेला चमचा जाई प्रतिनिधित्व करिबो एवं तांको कथारे हाथ टेकिबो। ए समय पळे गला आपण माने निश्चित भाबरे 5 वर्ष पाई देथिले एवं एई जे उम्मीदर 1.5 वर्ष बे पुनर्बार बीजेपी को मोर श्रद्धांजलि अर्पण करूछि। बहुत बहुत धन्यवाद। देखंतु आमे जो आशा करथुलु ताठु स्वतपूर्वक भाबरे लोक आसिकरि होउछन्ति एथुरु विष्णु बाबू प्रति तांकर स्नेह श्रद्धा से माने जणौछन्ति एवं तांकर स्नेह श्रद्धा को पाथेय करिकरि आमे आगु बढ़ुछु। निश्चय विजय आमर हबो। आरंभ है नहीं माहौल बढ़ी धीरे धीरे बढ़ी आपण बहुत कथा देखिबे। जी झारखंड से आई हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री हूँ और अभी उड़ीसा का इस उपचुनाव का दायित्व हमको दिया गया है। आज तो सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा था भाई विष्णु जी का, श्रद्धांजलि हम लोग सब अर्पण करने आए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ कल से हम लोग का जो है उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू होगा। हर क्षेत्र में यहाँ पे जितने भी गांव है, जितने भी शक्ति केंद्र है, सब में जाके हम लोग दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे एवं जो उनके पिता ने जो कार्य किया है वो कार्य जो है उनके बेटा के द्वारा उनका विरासत को आगे लेके जाने का काम वो करेंगे, ये लोगों को बताना है। अभी तो जनसैलाब, अभी देखिए जो सम्मान देने के लिए अभी जनसैलाब अभी यहाँ पर उमड़ा था, भारी तादाद में लोग आए थे और हिंदू मुस्लिम सभी जाति संप्रदाय के लोग ने आए और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पण किया। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत शुभ संकेत, मैं इसे मानूंगी और आने वाले दिनों में जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि जीतेगा। तो क्या क्या मुद्दा लेके जाएंगे? विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा।